अभी हाल फिलहाल में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन अराइज हुआ है इंडस्ट्री में, लाइक अभी हाल फिलहाल में ओपन एआई के साइड से सोरा नाम का एक एआई लॉन्च हुआ है, और उसका जो आउटपुट क्वालिटी है उसको देख के सब लोग चौंक गए यार। सब लोग सोच रहे अब तो VFX फील्ड गया काम से, लाइक सब सोच रहे हैं पूरा जॉब खा जाएगा। आपको क्या लगता है, सोरा सच में खा जाएगा? अब देखो, सोरा एक एआई है, अच्छा काम कर रहा है, थोड़े बहुत उसमें फॉल्ट्स हैं, और मैं मानता हूँ कि उनको उसको थोड़ा और ट्रेन करेंगे तो उसके जो फॉल्ट्स हैं वो भी निकल जाएंगे, ठीक है, तो वो काफ़ी अच्छा खासा काम कर लेगा। बट जहाँ तक मुझे क्या लगता है, देखो मैं अपना पर्सनल थॉट बताता हूँ कि एग्जैक्टली क्या हो सकता है, ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि सोरा बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा। ऐसा भी नहीं है कि सोरा के आने से इम्पैक्ट नहीं होगा, इम्पैक्ट बिल्कुल होगा, क्योंकि जिस तरह का आउटपुट वो दे रहा है ना, हर कोई उसको यूज़ करना चाहेगा। अब देखो, VFX इंडस्ट्री जनरली तीन अलग अलग फील्ड्स की में काम कर रही है, जैसे कि सबसे पहला तो हमारा VFX इंडस्ट्री होगा जिसमें प्रोडक्शन ऑफ मूवीज़ या प्रोडक्शन ऑफ सीरीज का काम होता है। दूसरा हो गया हमारा गेमिंग इंडस्ट्री जिसमें VFX यूज होता है, तो लेकिन वहाँ पे गेमिंग का होता है प्योरली, और कार्टून का भी, ठीक है। तीसरा हमारा हो गया एडवर्टाइजिंग, ठीक है, एडवर्टाइजिंग में बहुत सारा VFX यूज होता है, तो ये हमारा तीन मेनली हो गया। अब सोरा क्या आने से ना, एक चीज़ तो है, ठीक है, एडवर्टाइजिंग एजेंसी में बहुत सारे ऐसे क्रिएटिव क्रिएटिव आइडियाज़ होते हैं ना, जो कि जिनको शूट करने में या जिनको विजुलाइज करने में काफ़ी ज़्यादा खर्चा लगता है, और एडवर्टाइजिंग में जनरली बहुत लोग मतलब चाहेंगे कि ठीक है कम खर्चा किया जाए, तो वो लोग क्या करना, सोरा का यूज़ कर सकते हैं। VFX इन एडवर्टाइजिंग जो होता है ना, उसमें काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट कर सकता है सोरा। एक और चीज़ है, जैसे कि बहुत सारे अभी वेबसाइट हैं जहाँ पे आपको स्टॉक फुटेजेस मिलते हैं, जहाँ से आप फोटोज खरीदते हो, वीडियोस खरीदते हो, तो उन सारे साइट्स को भी सोरा इफेक्ट कर सकता है, बिल्कुल करेगा, क्योंकि अगर मेरे को कोई वीडियो चाहिए होगा मैं खरीदूंगा क्यों, डायरेक्ट सोरा से बनवा के, या फिर सोरा नहीं तो उससे थोड़ा सा अलग भी आता है जो इजली अवेलेबल हो जाए उससे बनवा के यूज़ कर लूँगा, तो ये सारे डिपार्टमेंट को कर सकता है। पूरा एडवर्टाइजिंग एजेंसी हो गई जिसमें अलग अलग, जैसे 3D एनिमेशन से भी होता है, या फिर अलग अलग, लाइक कभी कभी एलियन कुछ चाहिए होता है उनको एडवर्टाइजिंग में, तो कभी कुछ अलग अलग वो लोग काम करते रहते, वो लोग सोरा से बिल्कुल करा सकते हैं, और ये बिल्कुल हो सकता है, एडवर्टाइजिंग एजेंसी को बिल्कुल इफेक्ट करेगा। दूसरा हमारा गेम इंडस्ट्री हो गया, तो गेम इंडस्ट्री में सोरा थोड़ा बहुत कर सकता है मे बी, क्योंकि देखो सोरा के जो फाउंडर्स, उन्होंने ये बताया था कि अनरियल इंजन 5 से वो लोग पार्टनर करके कुछ डेवलप करेंगे, तो मे बी गेमिंग में भी थोड़ा बहुत वो इफेक्ट कर सकता है। इसका देखो गेमिंग का बहुत ज़्यादा नॉलेज है नहीं मेरे पास, तो ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बट मे बी कर सकता है। मेनली हम VFX की बात करते हैं, तो हमारा जो VFX इंडस्ट्री है ना, इसमें देखो अभी सबसे बड़ा चीज़ क्या है ना, जो भी हमारे जो बड़े बड़े डायरेक्टर्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, तो उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है, सिक्योरिटी। वो लोग जो भी शूट कर रहे हैं, जो भी उनका फुटेज होता है, उन सब का उनको सिक्योरिटी का बहुत ज़्यादा रीजंस होता है कि वो सिक्योर रहे। अब देखो सोरा यहाँ पे अब कैसे काम करेगा, ये सोचने वाली बात है। कुछ लोग सोच रहे हैं कि सोरा क्या करेगा, कि जैसे हम लोग ये एक स्क्रिप्ट दे देंगे, एक कॉन्सेप्ट दे देंगे, उस तरीके से उसको बोल देंगे तो वो पूरा सिक्वेंस या पूरा मूवी बना देगा, तो देखो ऐसा तो नहीं, ठीक है। कुछ लोग ये सोच रहे हैं, जैसे हम लोग रोटो का काम कर रहे हैं या फिर पेंट का काम कर रहे हैं, कॉम का काम कर रहे हैं, तो हम लोग अपने लाइक फुटेज उसको ऐसे सोरा का दे देंगे, बोल देंगे कि हाँ इस वाले फुटेज में यहाँ पे उनको ये चाहिए तो ये हमको करके दे दो। तो देखो ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा होगा भी नहीं, क्यों, क्योंकि ये जो सोरा को अगर ऐसा हम लोग कुछ बोलेंगे ना, तो उसको बोलने के लिए हम हमारे पास जो भी फुटेज है उसको हमको सोरा को अवेलेबल कराना पड़ेगा, ठीक है, ये फुटेज लो, इसको तुम रीड करो, उसके बाद फिर इसके ऊपर से जो भी डेटा है इस पर पुट करो। तो ऐसा VFX इंडस्ट्री में सब लोग बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी पर्पज से ये लोग नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि देखो सोरा क्या है, एक AI है। AI क्या करता है, जो भी काम करता है उसे धीरे 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 सीखता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी हम लोग फुटेज उसको प्रोवाइड करेंगे वो उसका डेटा तो रखेगा अपने पास, और ये चीज़ें जो हमारे फिल्म मेकर्स हैं वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे, तो फिल्मों में बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं हो पाएगा, ठीक है। कई ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहाँ पे यूज़ होगा, मैं बताऊँगा, लेकिन यही एक मेन रीज़न मुझे लग रहा है जिसकी वजह से हमारा VFX इंडस्ट्री तो सेफ है सोरा की वजह से। देखो सोरा में देखो VFX फिल्म में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं जहाँ पे सिक्योरिटी रीजन्स में भी
उतना नहीं होगा। जैसे देखो हमने कोई लाइक फिल्म मेकर ने कोई मूवी शूट किया, ठीक है, ग्रीन पर्दे पे शूट होता है, फिर पीछे जो बीजी होता है ना उसको रिमूव करके पीछे कुछ लगाते हैं। अब वो लगाने के लिए क्या करते हैं, जो भी बीजी होता है हम लोग मैट पेंटर्स जो होते हैं उनसे बनवाते हैं। अब देखो यहाँ पे तो मैट पेंटर से बनवाते हैं, कुछ खर्चा पड़ता है। एक चीज तो हो सकता है ना, सोरा को बोल देंगे ठीक है एक इस तरह का मेरे को बैकग्राउंड चाहिए, इस तरह का बैकग्राउंड मेरे को बना के दे दो, फिर वो बैकग्राउंड लेके हम लोग मैनुअली फिर आर्टिस्ट लोग उसको उसका इमेज लेके फिर हम लोग उसको एनिमेट कर सकते हैं, जो भी करना है पीछे लगा सकते हैं। तो इस तरीके से तो सोरा बिल्कुल यूज होगा, ऐसा तो बिल्कुल पॉसिबल है। तो जहां पे भी लाइक सिक्योरिटी ब्रीच होने का खतरा ना हो, वहां वहां पे तो सोरा बिल्कुल यूज होगा ही। तो इन चीजों से कुछ कुछ जॉब तो इफेक्ट होंगे बीएफएक्स के। अगर कुछ ऐसा डेवलप होता है जहां पर सिक्योरिटी का रीजंस ना हो, या सोरा वाले ही कुछ ऐसा डेवलप करते हैं कि ठीक है मतलब हम सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखेंगे, फिल्म मेकर्स मान भी जाते हैं, तब ऐसा हो सकता है ठीक है वो लोग यूज करें, बट सिक्योरिटी के पर्पज से सोरा उतना यूज नहीं होगा मेरे हिसाब से। बाकी सोरा आने का फायदा भी है, जैसे हमारे जब कुछ यूट्यूबर्स होते हैं उनको कुछ फुटेज चाहिए होता है तो वो लोग इजिली अवेलेबल, वो लोग वो सारे फुटेज करा सकते हैं। अब देखो कुछ हम मैं ही बोल रहा हूँ, कुछ चीज के बारे में बता रहा हूँ ठीक है, तो उसके बारे में उसी के हिसाब से हमें एक वीडियो भी दिखाना होता है ठीक है। तो या तो हम लोग उसको एनिमेटर से एनिमेट करवा के उस हिसाब से फिर उसका विजुलाइज करते हैं, उसके ऊपर वॉइस ओवर डालते हैं, तो वो चीज़ें हम लोग सोरा से या वो भी वीडियो जनरेशन सॉफ्टवेयर से लेके यूट्यूबर्स लोग यूज कर सकते हैं। ये सब काफी अच्छा चीज हो सकता है। तो सोरा के बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा, बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा ठीक है। सोरा इतना था, अब बाकी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आप लोग के, तो उन क्वेश्चंस के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं, वो काफी अच्छा रहेगा। मैंने कुछ क्वेश्चंस नोट किया, मैं एक बार देखूंगा। अब देखो एक क्वेश्चन आया था कि सिर्फ न्यूक सिक्के क्या पेंट आर्टिस्ट कहीं स्टूडियो में ज्वाइन हो सकते हैं? तो देखो यार न्यूक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर, उसमें बहुत सारा काम हो जाता है। कई लोग पूरा न्यूक में ही किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर निकाल देते हैं ठीक है। तो अगर आप लाइक एक्सपीरियंस्ड हो, सब कुछ न्यूक पे कर लेते हो, तो आपको जॉब मिल भी जाता है। कई बार क्या होता है, एक्सपीरियंस लोगों का तो टेस्ट भी नहीं होता, डायरेक्ट उनको जॉब मिल जाता है। बात करें फ्रेशर की, तो देखो ये डिपेंड करता है ब्रो, आप सिर्फ न्यूक सीख के जॉब ले सकते हो तब, लेकिन उसका भी कंडीशन है। अभी देखो किसी भी आप फ्रेशर हो मतलब आपको टेस्ट तो देना ही पड़ेगा जॉब लेने के लिए, तो बहुत सारी कंपनीज में आप टेस्ट हो गए ना, तो वहां पे टेस्ट शॉट सीक्वेंस पेंट देता है। अब देखो सीक्वेंस पेंट जो है ना न्यूक में करना बहुत मुश्किल है, तो आप करोगे तो आप शायद प्रॉपर लाइक टेस्ट निकाल भी नहीं पाओ ठीक है। तो खाली न्यूक सीख लोगे, बाई चांस ऐसी कंपनी में जाओगे जहां पे सीक्वेंस पेंट होता है तो पॉसिबल नहीं। तो फ्रेशर्स जो है ना न्यूक भी सीख लो, न्यूक लाइक जो भी अदर काम होता है उसको करने के लिए, सीक्वेंस पेंट के लिए सिल्वर्ट सीख लो, दोनों सीख लो तो अच्छा रहेगा ठीक है। खाली न्यूक सीखो तो हो जाएगा, मान लो कहीं कंपनी में जाते हो वहां पे मतलब सीक्वेंस पेंट वाला शॉट नहीं दिया, कुछ प्रोजेक्शन का शॉट दिया या टूरी ट्रैक वाला शॉट दिया, वो आप निकाल देते हो न्यूक पे, आपका जॉब हो जाएगा। फिर बाद में मान लो उनको लगता है कि नहीं सीक्वेंस पेंट भी वहां चाहिए होगा, तो वो लोग खुद आपको सिखा देंगे ट्रेनिंग करके, तो वो भी अच्छी वो भी हो सकता है। एक और क्वेश्चन था वैकेंसी क्यों नहीं आ रही, तो अभी देखो इससे पहले मैंने इतना ज्यादा डिस्कस किया कि बीएफएक्स इंडस्ट्री का अभी थोड़ा टाइम सही नहीं चल रहा है, तो इस वजह से वैकेंसीज नहीं आ रही है। होपिंग कि 2024 के बाद सब कुछ सही हो जाएगा, वैकेंसीज भी भर भर के आना स्टार्ट हो जाएंगे। क्या सोरा बीएफएक्स आर्टिस्ट को रिप्लेस कर देगा? देखो यार बीएफएक्स आर्टिस्ट को रिप्लेस तो नहीं करेगा, ऐसा हो सकता है कि बहुत सारी चीजें करने के लिए उसका हेल्प लिया जा सके, तो बीएफएक्स आर्टिस्ट ही उसका हेल्प लेंगे। तो ये चीज हो सकता है जहां पे 10 बीएफएक्स आर्टिस्ट का जरूरत है वहां पे 2 या 3 या 4 ऐसा ही इतने ही लोग मिलके काम कर देंगे सोरा की वजह से, तो मे बी ऐसा हो सकता है। फिलहाल अभी नियर फ्यूचर लाइक 5 इयर्स 10 इयर्स ऐसा कुछ ज्यादा लग नहीं रहा है, क्योंकि पाइपलाइन डेवलप होने में टाइम लगता है ठीक है। क्या अब बीएफएक्स फील्ड में स्कोप नहीं है? अरे यार बिल्कुल है, बीएफएक्स फील्ड में काफी स्कोप है अभी भी। 2024 के बाद का आप टाइम ले लो तो काफी ज्यादा अच्छा स्कोप हो सकता है, सब कुछ बस नॉर्मल हो जाना फिर देखो स्कोप ही स्कोप है। सैलरी भी आजकल ठीक ठाक अच्छी मिलने लगी है, आज से मैं लाइक 4-5 ईयर्स पहले की बात करूँगा तो बहुत ज्यादा सैलरी हाई नहीं जाता था, लेकिन अब अच्छी अच्छी कंपनीज इंडिया में आ चुकी हैं, अच्छी अच्छी सैलरी ऑफर कर रही हैं ठीक है। बात करें सैलरी की, तो देखो आप लोगों के बहुत सारे कॉन्टेक्ट होंगे जिनका 3 साल 4 साल
एक्सपीरियंस होगा लेकिन बहुत ज्यादा सैलरी होगा नहीं अभी भी, लाइक 25K 30K 30,000 कमा रहे होंगे। तो देखो भाई एक चीज मैं सिंपल सा बता देता हूँ, जो लोग एक्सपीरियंस होगा उनको पता होगा, जो लोग फ्रेशर है स्टूडेंट है उनको बता दूं, एक कंपनी में टिकने से सैलरी नहीं भरता है, ठीक है। एक कंपनी में आप बैठे रहोगे 5 साल तो आपका हर साल 2,000 3,000 कभी कभी 5,000 ऐसे करके इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। कंपनी चेंज करने से सैलरी भरता है, लाइक मिनिमम तो 30% भरता ही। आज आप अगर अभी 10,000 पे हो तो दूसरी कंपनी में आप लाइक 18,000 या 12,000 15,000 पे ऐसे करके ज्वाइन कर सकते हो। मान लो अभी आप 25,000 पे हो, आप दूसरी कंपनी में 35-35 भी मांग सकते हो, ठीक है। तो आप नेगोशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। अपना करेंट जो सैलरी है उसको दिखाओ, नेगोशिएट करो उससे, बोलो कि हाँ ये लाइक इतना खर्चा होता है उस स्टेट में, ऐसा करके तो नेगोशिएट करके आप अपना सैलरी बढ़वा सकते हो, ठीक है। तो ये जरूरी है कि कंपनी चेंज करने पर ही अच्छे सैलरी ग्रोथ होती है। एक और सवाल है, क्या रोटो में ज्वाइन करना अभी सही रहेगा? सच बताऊं यार, रोटो में ज्वाइन करना बिल्कुल सही नहीं है। देखो सबको सजेस्ट करता हूँ डायरेक्ट कॉम में ज्वाइन करो, रोटो अच्छा से सीखो, पेंट अच्छा से सीखो और कॉम में चले जाओ। उतना नहीं हो रहा है तो पेंट अच्छे से सीखो, पेंट में जाओ और 1-2 साल काम करने के बाद कॉम में शिफ्ट हो जाओ। रोटो में क्यों नहीं बोल रहा हूँ, देखो भाई तुम यार 3-4 लाख रुपया खर्चा करके इतना सब कुछ सीखते हो, रोटो उसमें कितना सारा होता है, बस 20-25-30 दिन या ही सिखाया जाता हो आपको इंस्टीट्यूट में, ठीक है। उतना साल आपने सीखा फिर रोटो में आने के लिए आप सीख रहे हो। मान लो आपको मन करता है कि नहीं हाँ रोटो पे सब कुछ सीख लेंगे फिर कॉम में जाएंगे तो ज्यादा नॉलेज रहेगा, प्रॉब्लम क्या है ना, आप रोटो में एक बार आ जाओगे फिर स्ट्रगल करते रह जाओगे। लेकिन एक बार रोटो में आ जाते हैं ना तो बहुत कुछ लगता, 1-1.5 साल लगातार सिर्फ रोटो का, जैसे ऑफिस में आके आप काम करना स्टार्ट करोगे ना तो बाकी कुछ करने का टाइम नहीं मिलता है, फिर बाकी सारी चीजें हम लोग भूल जाते हैं, तो भूल जाने की वजह से फिर दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट करना मुश्किल हो जाता है। और एक और प्रॉब्लम होता है, क्या होता है ना, रोटो में ही मान लो अभी आप हो, आपका सैलरी स्टार्ट आपने किया था मान लो 18 या 12 से, ठीक है। आपने किसी तरह धीरे धीरे 1-2 साल में 30 या 35 सैलरी कर लिया, ठीक है। अब 35,000 सैलरी कर लिया, अब रोटो से पेंट में या तो आपको इंटरनल शिफ्ट मिलेगा, इंटरनल शिफ्ट मिलता है तो आपका जितना सैलरी है सेम हो जाएगा। अगर इंटरनल शिफ्ट मान लो कंपनी में मिल ही नहीं रहा है, बार बार आप चूक जा रहे हो, तो आप क्या करोगे, रिजाइन करके शुरू से पेंट में स्टार्ट करने की कोशिश करोगे। प्रॉब्लम क्या है ना ब्रो, पेंट में अगर शुरू से स्टार्ट करोगे तो फिर से आपको 12,000 या 15,000 से स्टार्ट करना पड़ेगा। कितना बार करोगे, एक बार 30,000 से कमा कर फिर से 15,000 पे आओगे, फिर पेंट में काम करते करते 40,000 ठिकाओगे, फिर कॉम्प में जाकर फिर से 25,000 पे आ जाओगे। यही करने यही जिंदगी भर तो यही नहीं करते रह सकते हैं, बेटर है पेंट में जाओ, पेंट से कॉम्प में जाना इजी होता है, ठीक है। पेंट में जाओ, रोटो भी आजकल क्या हो गया ना, मोस्ट ऑफ कंपनीज मतलब मोस्ट ऑफ नहीं बड़ी बड़ी कंपनीज ना रोटो पेंट को एक कर रही है, ठीक है। तो पेंट आर्टिस्ट ही रोटो करेगा, रोटो आर्टिस्ट ही पेंट करेगा, पेंट आर्टिस्ट ज्वाइन करो, रोटो सीखना ज्यादा मुश्किल है नहीं, तो मस्त मक्खन जैसा चलेगा। फ्रेशर का हायरिंग क्यों नहीं आ रहा है? फ्रेशर का हायरिंग इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि अभी काम इंडस्ट्री में है नहीं उतना, तो बस काम नहीं है तो हायरिंग भी नहीं, ठीक है। एक और सबसे इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन, ऑफिस का पहला दिन कैसा रहता है? मैं जहाँ तक अपनी ऑफिस के दिन की बात करूँ ना, जब मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया था, देखो पहला दिन बहुत ज़्यादा लाइक एक्साइटमेंट रहता है, जाएंगे कैसा रहेगा। अभी देखो मैं खुद स्टूडेंट था, नॉर्मल सा माहौल में रहा था, पता भी नहीं था कि कंपनी से दिखता कैसा है, क्या होता है अंदर, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग रहता है पहला दिन, लाइक मतलब देख के लगता है, सरप्राइज होते हैं कि अच्छा कंपनीज ऐसा है, यहाँ पे ऐसा ऐसा रहता है। अब एग्जैक्टली मैं बताऊँ, शुरू शुरू में आप कंपनीज में जाओगे तो कंपनीज जनरली जो अच्छी अच्छी बड़ी कंपनीज होती है आईटी पार्क्स में होती है। आईटी पार्क्स क्या होता है ना, बहुत बड़ा लाइक पार्क टाइप का होता है, बहुत सारे बिल्डिंग्स होती हैं, गार्डन्स होते हैं, ऐसा करके। तो उसके अंदर एक बिल्डिंग में या एक फ्लोर पे आपका कंपनी होगा, वहां पे जाओगे कंपनी में तो कंपनी में प्रॉपर लाइक आईडी कार्ड से ऐसे मतलब आईडी कार्ड दिखा के या फिर आईडी कार्ड मशीन में लगा के वहां से एंट्री करना होता है, उस तरह का सिस्टम होता है, या फिर कई जगह पर फिंगरप्रिंट का सिस्टम होता है, ठीक है। वैसे करके आप इंटर करोगे, अंदर जाओगे तो देखोगे बहुत सारा लाइक, अगर आप स्टार्टिंग फर्स्ट डे जाओगे तो आपको जहाँ पे आपको काम करना है वहाँ पे नहीं बिठाते हैं। फर्स्ट डे क्या होता है, इंडक्शन होता है। इंडक्शन में आपको एक बड़े से हॉल में बिठाएंगे,
वहाँ पे लाइक बहुत सभी लोग जिनका भी ज्वाइनिंग होगा वो लोग सभी लोग बैठेंगे, और आपका जो डॉक्यूमेंट्स का जो फॉर्मेलिटीज फॉर्मेलिटीज होता है वो पूरा किया जाएगा, लाइक जो भी डॉक्यूमेंट साइन कराने होते हैं वो, उसके बाद फिर जो पैन कार्ड या सब का डिटेल्स देना होता है, फिर हमारा जो कंपनीज का क्या पॉलिसी है वो लोग एक एक करके अलग अलग डिपार्टमेंट से लोग आएंगे, वो आपको समझाएंगे। जैसे पेरोल आपका क्या है, तो पेरोल में क्या क्या इंक्लूड होता है, कितना कटेगा आपका पैसा, ये सारा एक्सप्लेन होगा। तो ये पूरा एक दिन ना इसी में निकल जाता है। फिर आपका एक अलग अलग लाइक बताएंगे कि कंपनी का क्या रूल है, क्या चीजें हैं, देखो ये भी कंपनीज में बताया जाता है ना। लाइक VFX इंडस्ट्री के मोस्ट ऑफ कंपनीज में जो हमारा फोन होता है ना, फोन ले जाना अलाउ नहीं होता है। जनरली क्या करते हैं, आप लोग जाओगे तो जो हमारा सिक्योरिटी डेस्क होता है शुरू में ही वहीं पे आपको फोन जमा करना पड़ेगा, फिर आप अंदर जाओगे, अंदर काम करना है, फोन यूज नहीं करना है अंदर में, ना तो इंटरनेट यूज करने के लिए सिस्टम में होता है, बस आपको बैठ के काम कट 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 करना होता है। ठीक है, कुछ कंपनीज है जहाँ पे आप फोन लेके जा सकते हो, इंटरनेट यूज कर सकते हो, गाने सुन सकते हो, तो ऐसा भी होता है। अब पहला दिन तो गुजर ही है, अब सेकेंड डे जब आप जाओगे तो सेकेंड डे से आपका ट्रेनिंग में भी, सेकेंड या थर्ड डे से आपका ट्रेनिंग स्टार्ट होता है। तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज होगी ना जहाँ पे आपको दो दो मॉनिटर मिलेंगे, एक मॉनिटर पे काम करने के लिए, एक मॉनिटर पे टूल्स रखने के लिए। ठीक है, बहुत सारी कंपनी में सिंगल मॉनिटर मिलेंगे, बहुत सारी कंपनीज में आपको पिन टैब मिलेगा आपको काम करने के लिए, बहुत सारी कंपनीज में माउस सिर्फ मिलेगा, तो कंपनी कंपनी पे डिपेंड करता है। बहुत सारी कंपनी में दोनों मिलते हैं, तो आपको जो चाहिए वो मांग लो। ठीक है, तो ये सब तो हो गया। वहाँ पे जो बैठने के लिए चेयर होता है वो काफी अच्छा होता है, लाइक हमें काम करने टाइम 8-9 घंटे बैठना पड़ता है तो चेयर तो अच्छा होना चाहिए, तो अच्छा चेयर होता है, आप अच्छे से बैठ के काम कर सकते हो। कंपनीज में क्या होता है ना, माहौल पूरा अंधेरा रहेगा और सिर्फ आपका स्क्रीन जलता रहेगा, बैठ के आप काम करते हो ऐसे लगातार लाइन बाई लाइन सभी लोग बैठे हुए रहेंगे, काम करते रहेंगे, कभी बात करना है तो अगल बगल से बात कर लो, यही सब सीन रहता है। ठीक है, एक और चीज़ है कि बहुत सारी कंपनीज में आपको बिल्कुल भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा, काम करो घर जाओ। बहुत सारी कंपनीज में ऐसा है कि कुछ फन करने के लिए टेबल टेनिस खेल सकते हो, PS5 रहता है वहाँ पे, PS5 खेल सकते हो थोड़ी देर के लिए, या फिर जाके कैफेटेरिया में कॉफी बैठ के पी सकते हो, तो ऐसा भी सुविधा रहता है। तो अच्छी अच्छी कंपनी में जाओगे तो बिल्कुल ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, आप थोड़ा बहुत इंजॉय भी कर सकते हो, थोड़ा बहुत काम भी कर सकते हो। अब देखो यार, एक चीज़ है, बहुत सारी छोटी कंपनी या मिड लेवल की कंपनीज जो होती है ना, वहाँ पे कुछ कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं या जो लोग डिटेक्ट करते हैं, जो सॉफ्टवेयर्स ना डिटेक्ट करते रहते हैं कि आपका माउस कितना देर चल रहा है। जैसे आपका माउस मान लो 2 मिनट के बीच चलना बंद हुआ ना, तो वो ऑटोमेटिक वहां से आपका सिस्टम लॉक हो जाएगा, या फिर वहां पे जहां पे भी हमारा काउंट होता है ना कि हम लोग कितना देर काम कर रहे हैं, वहां पे काउंट नहीं हुआ। तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो एकदम बिल्कुल स्ट्रिक्ट कर रखती है कि लगातार आप वही अपने सीट पे ही बैठे रहो, हमेशा काम करते रहो, आपको वॉशरूम तक जाने के लिए टाइम नहीं मिलता, तो ऐसा होता है। और मैंने वैसे कंपनी में काम नहीं किया, मैंने अच्छी कंपनी बड़ी कंपनी में काम किया है, और मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ अपनी कंपनी का कि जो फैसिलिटीज़ मुझे प्रोवाइड होती हैं। मेरी कंपनी ने तो काफ़ी अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हैं, लाइक बस पास जैसे होता है तो हमें बस पास दिया गया है ताकि हम ट्रैवलिंग का हमारा कॉस्ट उसमें इंक्लूड हो जाता है बस पास में। उसके बाद अच्छी सारी अच्छी कंपनी जो होती है ना, वो आपको लाइक एक हेल्थ इंश्योरेंस देंगी जिसमें आपका कवर होगा, अगर आप पैड हो तो आपके वाइफ आपके बच्चों को होगा, नहीं हो तो फिर लाइक आपका आपके फादर आपके मदर इनका ऐसे हेल्थ इंश्योरेंस कवर होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ फैसिलिटीज़ होती हैं। और कंपनीज़ में अलग अलग टाइम पे कुछ फेस्टिवल टाइम पे अलग अलग एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, तो थोड़ा बहुत मज़ा आता है। कुछ लोग लाइक कभी कभी सिंगिंग कॉम्पिटिशन या फिर डांसिंग ऐसा कुछ कुछ होता रहता है, मज़ा आता है। सो कंपनी कंपनी पे डिपेंड करता है लाइक यहाँ पे कैसा माहौल है, कई जगह पे बहुत अच्छा बहुत माहौल रहता है, कई जगह पे बहुत स्ट्रिक्ट माहौल रहता है, तो अपना काम करने में मज़ा नहीं आता। तो ये लोग ये सारी चीज़ें कंपनीज पे डिपेंड करती है। एक चीज़ मैं बता दूँ कि बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी कंपनी में आप जाओगे ना तो वहाँ पे कोई माहौल नहीं रहता, 20 या 25 बंदे बैठ के काम कर रहते हैं। सुबह आएंगे, सुबह मतलब 9 बजे बुलाएंगे, रात के 9 बजे तक काम कराएंगे, एक्स्ट्रा टाइम ओवर टाइम भी नहीं देते हैं, और कभी कभी तो अगले दिन भी वहीं रोक के रखते हैं। तो ऐसा भी होता है, कई लोग फेस करते हैं। ठीक है, तो फिलहाल ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, इतना काफ़ी।